आए थे 33 करोड़ देवता, 12 करोड़ ब्राह्मण, तो उसी समय के थे, और 33 करोड़ देवता 88,000 ऋषि। तो कहते हैं पंडित द्वादश कोट थे 12 करोड़, और सहदेव शेषुरबीन और शेष 88,000 देवताओं में ऋषियों में कोई न पद्म लीन, यानी कोई भी सत भक्ति नहीं कर रहा था, यथार्थ भक्ति उनके पास नहीं थी, जिस कारण से पांडवों के 3 ताप भी उनसे नाश नहीं हो सके। शेष 88 ऋषि जहाँ वो देवता 33 कोटे शंख न बाजा ताश से रहे चरण में लोटे। कहते उन तो शंख नहीं बजा, जो परमात्मा ने शंख बजा दिया सब नतमस्तिक हो गए, चरण पकड़ लिए। और पुण्यात्मा जब शंख बज गया पूरी वाह वाह होगी भगवान की, श्री कृष्ण भी मत्था टेक, पांचों पांडव भी, सौर्य ऋषि भी सब, तब परमात्मा ने खड़ा होकर 2 घंटे प्रवचन किया था, सत साधना करो, भक्ति कर लो, परमात्मा का नाम ले लो। और ये तो हम फ्री में करते हैं, भोजन खाने से इतना सुख हो गया एक संत के, और मैं मंत्र एक ऐसा मंत्र जानता हूँ जिसे तुम्हारा पूरा मोक्ष हो जाएगा। अब परमात्मा कहते हैं कबीर ये माया अटपटी, सब घट आने अड़ी, किस किस को समझाऊं या कुए भांग पड़ी। अब इतना कुछ देख कर भी उनकी आंख ना खुली रहे, नाम ले लो, पीछा छुटवा लो, लेकिन चौधर ना छूटे, युधिष्ठिर ने तो मुश्किल तो राज मिला था, फिर बोले जी फिर देखेंगे। और मन में न्यूरा कृष्ण जी राज तो बड़ा, और फिर भी न्यू कृष्ण जी हमारा गुरु, और गुरु क्या बनाए। तो परमात्मा कहे किस किस ने समझाऊं या कुए भांग पड़ी, इतना कुछ देख कर के सारे फेलर एक परमात्मा रे, फिर भी आंख ना खुलन दी काल ने, अग नाम ले लिया पीछा छुटवा लिया, है थरा के जे भैया। अब क्या बताते हैं मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चम इनको फिरा मोतिया बंदरे। ये दिखें बड़े विद्वान और मैं ऋषि देवता, इनका अज्ञान रूपी मोतिया बिंद हो रहा, आँख भी ना खुलती। अब काल क्या कहता सातवें अध्याय के 7वें 8वें 9वें मंत्र में कि बलवानों की बल और बुद्धिमानों की बुद्धि मेरे हाथ में है, जब चाहे इनकी बुद्धि को ऑन कर दूँ, जब चाहे ऑफ कर दूँ। सबकी बुद्धि ऑफ कर दी काल ने, और किसी के बुद्धि में नो नहीं आया कि देख इतना कुछ हो गया, और तुम डले डोने लाग रहे, 100,000 वर्ष हो गए तुमसे कुछ नहीं हो पाया, फिर भी ना चरण में पड़े, क्योंकि बुद्धि ऑफ कर दी काल ने। बहुत बड़ा लंबा प्रसंग हो जाता है पुणात्माओं, क्योंकि ये तत्व ज्ञान है, और एक कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए कंटिन्यूस गद आए गद 3-4 उदाहरण देने पड़ते हैं। जब यह काल की बुद्धि हमसे दूर होती है, ये लोक ला रखे वो काल का जब हटता है। अब जैसे सीता का अपहरण हो गया था, रावण उठा ले गया, श्री राम ने पता नहीं कौन उठा ले गया, ऊपर से शिव जी और पार्वती आकाश से देख रहे थे, और भगवान शंकर जी ने प्रणाम किया क्योंकि उनके बड़े भाई हैं, विष्णु समझो चाहे श्री राम समझो चाहे श्री कृष्ण कहो। तो पार्वती ने सोचा कि भगवान शिव जी तो स्वयं भगवान हैं, और ये किसको प्रणाम कर रहे हैं। तो पार्वती ने पूछा भगवान आप किसको नमस्कार कर रहे हो कि वो विष्णु भगवान है सामने। पार्वती ने कहा कि ये रो क्यों रहा है कि इसकी पत्नी का अपहरण कर लिया किसी ने। अब नो शंकर जी ने ना बेरा किसने कर लिया ना बता दो आके भाई वो रावण ले गया। तो पार्वती कहने लगी कि मैं इसकी परीक्षा लूँगी और तब मानूंगी ये विष्णु भगवान है। शंकर जी बोले परीक्षा ना लिए, अच्छा को नहीं लूँ। जब तक तो वो बात हुई वो चले गए घूमन फिरन, पाछे तो सीता रूप बनाया और खड़ी होगी रामचंद्र की जी के पास जाके, जब वो भटक रहे थे सीता की खोज में। तो उस समय काल ने उस श्री रामचंद्र जी की बुद्धि इतनी खोल दी कि उसने वह पहचान ली कि सीता को नहीं या तो पार्वती है। तब श्री रामचंद्र जी बोले हे दक्ष पुत्री माया, भगवान शिव जी कहाँ रह गए। तब उसने देखा तेरा तो पहचान ली तू, फिर उसने प्रणाम किया कि सचमुच आप तो विष्णु भगवान हैं। अब अपनी पुत्री का तो बेरा को नहीं,
हरवासित पार्वती पिछाड़ दी। अब उधर से उसने ऑफ कर रखी बुद्धि, वहाँ ऑन कर दी 2 सेकंड के लिए और फिर ऑफ। हीट एंड ट्रायल मेथड से जैसे खोज खाज करी, अनुमान वहाँ गया, अंगद वहाँ गया, जब वह ढूंढी सीता पाई। तो ऐसे जब काल ने युद्ध करवाना था, अर्जुन को शक्ति दे दी, ऐसा योद्धा सिद्ध कर दिया, मारे तीर बीसा में कार पार कर दे, वाह वाह होगी। और फिर जब श्री कृष्ण जी के, अब ये आगे और प्रसंग था कि जब दुर्वासा के श्राप से 56 करोड़ यादव आपस में लड़कर मर गए, श्री कृष्ण जी के पैर में तीर मार दिया किसने, बाली वाली आत्मा वहाँ शिकारी बनी हुई थी जो त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव के भाई बाली को वृक्ष की ओट लेकर मारा था धोखा देकर, उसका भी टिट फॉर टैट अपना कर्म का फल भोगना पड़ा भगवान विष्णु को कृष्ण रूप में। और उस शिकारी ने, बाली वाली आत्मा ने श्री कृष्ण जी के पैर में विषाक्त तीर मारा था, तब तड़फ रहे थे श्री कृष्ण जी, जो पांडवों को बुलाया गया था। श्री कृष्ण ने कहा था कि अर्जुन तो ले जाना यहाँ से औरतों को, आप नर यादव कोई नहीं बचा, सब मर गए कटके, और इन औरतों को ले जाना, यहाँ के लोग इनको दुखी करेंगे और तुम वहाँ अपना दिल्ली रख लेना। अब श्री कृष्ण तो मर गए, अब मृत्यु होगी, वो तो श्री छोड़ गए। उसमें जब मृत्यु होने से पहले श्री कृष्ण जी ने कहा था उन 500 पांडवों को कि मेरी एक बात और सुन लो, क्या कि आप राज त्याग कर हिमालय में जाके कठिन घोर तप करो और वहाँ पर अंतिम सांस तक साधना करते रहो जब तक तुम्हारी मृत्यु ना हो। क्यों, कारण क्या है, अर्जुन ने पूछा कि भगवान कारण क्या है कि तुमने महाभारत में जो हत्याएं की हैं उनका दोष अपराध बहुत है तुम्हारे सिर पर। तब अर्जुन से रहा नहीं गया, उसकी छाती फट गई, कहने लगा भगवान वैसे तो आप ऐसी स्थिति में हैं कि आपसे हमने वाद विवाद करना नहीं चाहिए, परंतु एक शंका रूपी कांटा मेरे हृदय में खटक रहा है और आज वो और ताज़ा हो गया, आज मैं आपसे एक बात अवश्य पूछूंगा। श्री कृष्ण ने कहा कि कर प्रश्न क्या पूछता है, कि आपने गीता ज्ञान देते समय कहा था कि तू युद्ध कर ले तेरा पाप नहीं लगेगा, ये तो मैंने मार रखे हैं, और वही पाप आपने बताया कि युधिष्ठिर के को जो भयंकर आकृतियां दिखने लगी, आपत्ति आई, संकट आया, तो आपने कहा कि महाभारत में किया हुआ युद्ध तुम्हें दुखदायी दे रहा हो रहा है, और आज फिर आप कह रहे हो कि तुमने महाभारत में बहुत पाप कर दिए, वो पाप अक्षीण हो जाएंगे, तप कर लेना। भगवान ये दुश्मन वाला रोल आपने हमारे साथ क्यों किया है, रिश्तेदार होते हुए आपने ऐसा हमारे साथ क्यों किया जो हमने इतने पाप कर लिए, मैं तो मना करूं था, हम तो भिक्षा का अन्न खाकर अपना गुजारा करने को तैयार थे। तब श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन मुझे नहीं मालूम पहले मैंने क्या कहा, पर वर्तमान की स्थिति मैं सही बता रहा हूँ और मेरी आज्ञा का पालन कर लेना। इसे सिद्ध पुण्यात्माओं के श्री कृष्ण जी ने गीता में कुछ भी नहीं कहा था, श्री कृष्ण नहीं चाहते ऐसा जुल्म करवाते, क्योंकि उन्होंने स्वयं प्रतिज्ञा कर ली थी मैं युद्ध नहीं करूंगा, हथियार नहीं उठाऊंगा, वो तो काल प्रवेश कर गया, क्योंकि जब तक जीव काल के अंतर्गत है वो उसका खिलौना है, रिमोट उसके हाथ में है, वो किसी तरह प्रयोग कर सकता है। तो जब अर्जुन सभी गोपियों को लेकर के चला, ब्रज की सभी स्त्रियों को साथ लेकर चला, रास्ते में भीलों ने अर्जुन को पकड़ दिया और वही हथियार जिसे महाभारत का युद्ध जीता था, वो गांडीव धनुष उसके साथ था, उसका हाथ भी ना उठे और उड़ा पीटे उसने खड़ा खड़ा पेटो सारा कप है अर्जुन जैसा योद्धा। और वो फिर कहता जब वो पिट छित लिया, वो कुछ ले गए माल मूल लूट कर, कुछ औरतों को भी ले गया। जब अर्जुन कहता है कि कृष्ण बड़ा छलिया था, इसने हमारे साथ धोखा ही धोखा किया, जब युद्ध करवाना था जब तो मुझमें ताकत दे दी, आज मैं खड़ा खड़ा पिट रहा हूँ, मेरे हाथ भी नहीं उठ रहे हैं, ये धनुष वही है और मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, उसमें मुझे बल दे दिया, अब मुझसे बल छीन लिया। अपने आत्माओं, ये श्री कृष्ण छलिया नहीं था, श्री कृष्ण का दोष नहीं था, अब मूल का तो इनको पता ही नहीं जड़ कौन है इस बीमारी की। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 में कहता है कि अर्जुन ये तीनों गुणों से, रजगुण ब्रह्मा सद्गुण विष्णु उत्तम गुण शिव जी से उत्पत्ति स्थिति और संहार जो कुछ हो रहा है इसका निमित्त मैं ही हूँ, मैं करवा रहा हूँ सारा काम, पर मैं इनके अंदर नहीं, मैं तो बाहर रहता हूँ अलग से।
ये गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 7-8 में कहा है कि बलवानों का बल और बुद्धिमानों की बुद्धि मेरे अंतर्गत है। पुणात्मा जब तक हम काल के दायरे में हैं तो ये सबको ऐसे नाच नचाता है। जब हम इससे निकल जाएंगे, परमात्मा की शरण में आ जाएंगे, फिर इसका अफेक्ट हमारे ऊपर नहीं होगा। अब परमात्मा कहते समझा है तो सिर धर पाओ, बोर नहीं रे ऐसा दाओ। ये संसार समझदा नाही, कहंदा श्याम दोपहरे नो गरीब दास, ये वक्त जात है रोवोगे इस पैरे नो। ये संसार समझदा नाही, परमात्मा गरीबदास जी कहते हैं, परमात्मा के विषय में बताना चाहते हैं कि ये इस काल को ये सब दुख दे रहा तुम्हारे को, और इसी को तुम भगवान मान रहे हो और इसी झूठे सुख को सुख मान रहे हो। जैसे कोई शराब पिए पड़ा हो गीता दोपहर में, ये जून का महीना रियो हरियाणा क्षेत्र, और उसने कोई कह रहा उठ तुझे छाया में बैठा दूँ, और वो नहीं होगा नहीं वो जो नहीं है बड़ा आनंद आ रहा है, तो शराब में बोल रहा है पसीने आ रहे हैं, बुरा हाल हो रहा है, जागा रहे उसके, और फिर भी नहीं हो जो रही है। तो हमारे ऊपर इतना नशा है जो हम इस सुख को सुख मान रहे हैं। तो क्या कहते हैं गरीबदास जी कि तुम इस दोपहर को सुख मान रहे हो, शाम यानी शाम के समय थोड़ी ठंड हो जाती है, दिन में दोपहर होती है, तो तुम इसको ठंड मान रहे हो। ये संसार समझदा ना ही, कहंदा श्याम दोपहरे नू, गरीब दास ये वक्त जात है रोगे इस पैरे नू। ये समय जान लग रहा है आपका, ये समय को रोया करोगे अगर सतभक्ति नहीं की, परमात्मा की शरण ग्रहण नहीं की, तो फिर रोया करोगे आगे जन्म जन्मांतर, पता नहीं कब जाके दाव लगेगा। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं कि समझा है तो सर दपाओ और बोर नहीं रे ऐसा दाओ। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्वश्रेष्ठी रचनहार कुल मालिक कबीर देव जी कबीर साहब जी, हम कालजाल में फंसे हुए प्राणियों को उस अमर लोक की कथा सुनाने के लिए आते हैं जहां से हम आए हैं। यहां का जो स्वामी है, जो यहां का मालिक है, प्रभु है, वो ब्रह्म है, जिसको सर्वपुरुष भी बोलते हैं, जिसे ज्योति निरंजन भी कहते हैं। इसके 21 ब्रह्मांड हैं और इसको श्राप लगा हुआ है 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों के शरीर के अंदर एक सूक्ष्म शरीर है। उस सूक्ष्म शरीर को तपत शिला पर भून कर उसके अंदर से गंध निकाल कर उसको ये पीता है, खाता है। उस तपतशिला के ऊपर ये सूक्ष्म शरीर युक्त प्राणी बहुत पीड़ा महसूस करता है, बुरी तरह चिल्ला चिल्ला कर बेहोश हो जाता है। उसके पश्चात अपने कर्माधार से इनको फिर से भवसागर में भेज देता है। वो तपतशिला 21वें ब्रह्मांड में इसने गुप्त बना रखी है। आत्माओं, परमात्मा ने आकर के हमें ये ज्ञान दिया है कि तुम कौन हो, कहां से आए हो, यहां तुम्हारे साथ ये जो घटना घट रही है, तुम यहां कितने कष्ट उठा रहे हो, इसका तुम्हें कारण का पता नहीं। इसके पीछे बहुत सुनियोजित षड्यंत्र है इस काल भगवान का। वो परमात्मा आकर ही हमें ज्ञान देते हैं, हमें समझाते हैं कि मानुष जन्म पाकर जो नहीं रटे हरिनाम, और जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। ये मानव शरीर
केवल परमात्मा पाने के लिए, कल्याण करवाने के लिए प्राणी को प्राप्त होता है।